गुरुदेव इंदौर से श्रीमती प्रियंका महेंद्र जैन कह रही हैं, गुरुदेव कि आज दो पीढ़ियों के बीच आपसी समन्वय, समर्पण और विश्वास की कमी बढ़ती जा रही है। महाराज जी, पिता अपने पुत्र को और पुत्र अपने पिता को अपने मन की बात बताने में संकोच करते हैं, ऐसी परिस्थिति में आपसी संबंधों में मजबूती कैसे आए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, जेनरेशन गैप आज की समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है। हर पीढ़ी के लोगों को एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज ये देखने में आता है कि युवा बुजुर्गों की उपेक्षा करना चाहता है, हाँ, बुजुर्ग युवाओं पर भरोसा नहीं करते। दोनों को साथ लेकर के चलना होगा, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, अन्यथा कोई उपाय नहीं। एक संदेश में आप सबको एक कहानी के माध्यम से देना चाहूँगा। हमने वो कहानी सुनी है कि एक अंधा और एक पंगू दोनों एक वन में गए, अचानक वन में आग लग गई। अंधा जिधर जाए उधर झुलसे, अब पंगू चारों तरफ आग की लपटें देखकर परेशान हो आंसू बहाए, जाऊं तो कहां जाऊं, पैर लाचार है, पैर से लाचार है। अचानक दोनों एक दूसरे से मिले। अब पंगू ने अंधे से कहा, देखो भाई, यदि हम लोग दोनों एक हो जाएं तो दोनों की सुरक्षा है, और अलग अलग रहेंगे तो दोनों ही की दोनों के दोनों नहीं बचेंगे। उसने अपना एक सुझाव दिया, अंधे से कहा कि एक काम करो, तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा दो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता जाऊंगा, तुम बलवान हो, चलते जाना, हम दोनों बच जाएंगे। पंगू के प्रस्ताव को अंधे ने स्वीकार लिया और उसे अपने कंधे पर बिठा दिया। नतीजा आप सबको पता है, पंगू इशारा देता गया, अंधा चलता गया, दोनों सकुशल बाहर आ गए। ये कहानी बहुत पुरानी है, आप सब ने इसे अनेक बार सुना होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज की जनरेशन के पास अपार बल है पर अनुभव की आँख नहीं, वो अंधा है। अब पुरानी पीढ़ी के पास अनुभव की आँखें तो है पर आज की ताकत नहीं, वो पंगू है। अंधों को चाहिए कि बुजुर्गों को अपने कंधे पर बिठाए, और बुजुर्गों को चाहिए कि अंधों की ताकत पर भरोसा करके साथ चले जाए। यदि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को अपने कंधे पर बिठा करके चलती है तो दोनों पीढ़ियाँ सलामती के साथ आगे बढ़ सकती है। मैं यही संदेश आज के संदर्भ में देना चाहता हूँ।